अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाते हैं इजी टेस्टी और बोनलेस चिकन फ्राई। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है बोनलेस, 1 टेबलस्पून मैंने लेमन लिया है, 1 टेबलस्पून बेसन, 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर, 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर और 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/4 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर। चलिए जी आप मैरिनेट कर लेते हैं चिकन। मैंने एक बोल में डाल लिया है, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मैंने मिक्स कर लिया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्न फ्लावर, बेसन और राइस पाउडर। इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से मिक्स हो गया, हम इसमें सारे स्पाइसेस डालते हैं और इनको भी मिक्स कर लेते हैं। देखें जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी और इसके बाद फ्राई करना स्टार्ट करूंगी। 2 घंटे हो गए हैं और अच्छे से ये मैरिनेशन हो गई है इसकी। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और इसको फ्राई कर लेते हैं। पैन में ऑयल मैंने डाल दी है, फ्लेम जो मैंने हाई भी कर दी है। वन बाय वन डालती जा रही हूँ। तीन से 4 सेकंड तक हम इसको नहीं हिलाएंगे क्योंकि इसमें कई ग्राम जो है वो ऑयल में ना फैले। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम जो है फ्लेम जो है वो मीडियम पे कर देंगे ताकि ये अंदर तक पक जाए। देखें ये कुछ इस तरह मैंने जो है सारा डाल लिया। ब्राउन हो गया, अब हम इसको जेंटली जो है फ्लिप कर लेते हैं। देखें ये गोल्डन ब्राउन हो गया और हीट जो है मैंने हाई पे कर दिया। अब 1 मिनट मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। कलर इसका अच्छे से आ गया, मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। नहीं जी, प्लेट में मैंने निकाल लिया है। हमारा मज़ेदार बोनलेस चिकन फ्राई रेडी हो गया। अब आप लोग भी ट्राई करें।